आप लोग बहुत तरीके से बनाए खाए होंगे, लेकिन आप लोग मेरे तरीके से एक बार बनाइए खाइए। और आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे आगे भी बहुत सपोर्ट करिए। 2-4-10 व्यू जाते हैं, प्लीज़ आप लोग और ज़्यादा थोड़ा शेयर किया करिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? तो गुंजन की रसोई में आपका स्वागत है। तो हमने आप लोगों के लिए आज क्या बनाया है, आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने आधा किलो मैदा लिया है, आपको जितनी आवश्यकता हो आप उतना ले सकते हैं। तो हमने आधा किलो मैदा लिया है और थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया, और इसमें हमने कुछ नहीं डाला है। और दही हमने जमा के रख दिया था, खट्टी दही। दूध थोड़ा सा आप पका लीजिए, उसके बाद दूध खूब गाढ़ा हो जाए उसकी दही आप जमाइए, तो लाल लाल दही गाँव की तरह होती है। तो हमने दही को जमा के रख दिया था, थोड़ा खट्टी हो गई थी, तो आटे को हम उस दही में सान लेंगे और इसका डो बना के तैयार करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए। क्योंकि आप दही में कोई भी चीज़ गूंद के रख दीजिए या मत के रख दीजिए तो बहुत जल्दी उड़ जाता है, दही खट्टी भी होती है। तो हमने इसको बना के आटे को रख दिया है, तो थोड़ा सा आटा हम ले रहे हैं, लेने के बाद इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। इसको थोड़ी छोटी सी पूड़ी बनाएंगे, पूड़ी बना के रख देंगे। ऐसे हम छोटी छोटी लोइयां बना के रख ले रहे हैं 2-3 ठो। उसके बाद हमने एक एक करके बेल लिया है, बेलने के बाद जो है एक प्लेट में रख लेंगे सब। तो आप लोग को मेरा ये पूड़ी या पराठा और या तो जो है भटूरे, आप इसको जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन हम तो आज बनाएंगे भटूरे, क्योंकि हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो हम थोड़ा पतला बेल रहे हैं क्योंकि इस उठ गया है, और हमने गैस पे कढ़ाई रख के इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया। अब एक एक करके डाल के छान ले रहे हैं, और खाने में बहुत अच्छा होता है। हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, ना रिफाइंड मिलाया है और ना हमने इसमें कुछ और मिलाया है। कितने आराम से ये बहुत अच्छा फूलेगा, एकदम सिंपल। थोड़ा सा हमने आटे में नमक डाला है और दही में इसको हमने खूब बढ़िया डो बनाया है। पानी का बिल्कुल हमने थोड़ा सा मोयन दिया था ताकि ये थोड़ा मुलायम हो जाए। तो आप लोग देख रहे हैं ना मेरे भटूरे कितने अच्छे से फूल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप होटल में जाइए या ढाबे पे जाइए तो वहीं अच्छा भटूरा मिलता है, आप लोग घर पे भी बना खा सकते हैं भटूरे। तो आप लोगों को मेरा भटूरा कैसे लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। तो इसी तरह हम सारे भटूरे एक एक करके बेल के छान ले रहे हैं, पूड़ी पराठा, इसी तरह मैदे की कचौड़ी आती है आप उसको भी बना के खा सकते हैं। तो हमने अभी मैदे की कचौड़ी नहीं डाला है, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप लोग को मैदे की कचौड़ी चाहिए, तो हम आप लोगों के लिए ज़रूर भेजेंगे। तो कितने अच्छे तरीके से देखिए बहुत पूरे फूल रहे हैं और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए भटूरा और छोला और नींबू हरी मिर्च के साथ, और थोड़ी सी इसमें आप प्याज काट लीजिए आप लोग अगर प्याज खाते हैं तो। इसके साथ छोले और भटूरे खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं, और खाने के बाद इसका स्वाद आप लोग को पता चलेगा कैसे बनता है और खाने में जो है कितना अच्छा स्वाद आता है। तो ये मेरा छोला भटूरा बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा छोला भटूरा कैसे लगता है। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्ते दोस्तों।